कदर नो रो रहा मैं अपने नो। मेरा रक्षा एक सी मेरे बच्चों की रोजी सी उही उन्होंने मेरे को खोलिया होटल वाला से अठ बंदे बैठे मेरी कुट कुट के उन्होंने पसलियां तोड़ दियां ने। मैनू यह दसो मैं गरीब आदमी अपने छे बच्चे लैके किधर जावा, सानू इंसाफ कितों मिलेगा? या मैं आके शरेआम खड़ा के गोली मार दो, इतने मैं जीण का कोई हक नहीं है, वो मैं की पढ़ा मेरी रोजी खोली इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां असलान और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाजरीन, आए रोज़ पाकिस्तान में ऐसे वाक़े रूनुमा होते हैं कि कहीं पर माँ अपने बच्चों समेत नहर में कूद जाती है और कहीं पर बाप अपने बच्चों का गला काट कर अपने दोस्त को एक वॉइस मैसेज करता है कि मैंने अपने बच्चों का गला काट दिया है और अपने आप को एक पंखे के साथ लटका रहा हूँ। नाजरीन, ऐसे ही आज हमारे साथ एक बाप मौजूद है जो सड़क के किनारे पर बैठा हुआ दहाइयां दे रहा है कि खुदारा हमारी भी कोई बात सुन ले। अभी इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि बच्चों को लेकर सड़क के किनारे क्यों आए हैं और क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजम मेरा नाम। अच्छा अंकल, हम गुजरे हैं तो आप सड़क के किनारे क्यों बैठे थे? सर मुकद्दर नो रो रहे हैं मैं अपने नो। मेरा रक्षा एक सी मेरे बच्चों की रोजी सी उही उन्होंने मेरे को खोलिया होटल वाला से अबानता उन्होंने मैं दिता है मेरे, वो अपनी बच्ची का दाम कराने गया बाद दे वेच उन्हें जनाब मन मैनू वापस आया रक्षा टुटा सी कहिंदा तू बनवा लैं तैनू पैसे दिना वा। उन्हें मैनू पैसे देने दे बजाय रक्षा देने दे बजाय कहिंदा बच्चों नू छड्ड के आना रैवंड वो आ हुण आ रहा जी अज बारवां दिन है। मैं जाके दूसरे दिन थाने चौंक जाके मैं दरखास्त दित्ती है, चल जो मैं उन्होंने को आया अठ बंदे बैठे थे मेरी कुट कुट के उन्होंने पसलियां तोड़ दियां ने। मैं 15 से कॉल की जे 1 डॉल्फर वाले आए ने, उन्होंने मेरी कोई गल नहीं की, तो चुक के मैंने अगे लाए कहते जाके मैडिकल करा लै। फिर जनाब मैं अगे SHO गया थाने चूंग उन्होंने जाके अपील की, उन्होंने भी मेरी कोई नहीं गल सुनी है, बस गल्ला जी टाली जाते हैं। मैनू यह दसो मैं गरीब आदमी अपने 6 बच्चे लैके किधर जावा, खुदकशी कर लवा मर जावा, मैं इस मुसलमान हाँ खुदकशी आराम है, मैंने क्यों नहीं जीन दिता, क्यों तड़पा रहे हो, मैं की हुकूमत तक नुकसान किया, मैंने क्यों नहीं इंसाफ मिलता, सानू इंसाफ कितों मिलेगा? या मैं आके शरेआम खड़ा के गोली मार दो, इतने मैं जीन का कोई हक नहीं है। इधर कितनी देर से बैठे हैं सड़क पर? मैं तकरीबन जी दीगर दा बैठा हूँ। अच्छा, इन बच्चों को लेकर? इन्होंने बच्चों लेके इन्होंने यही झूठे लारे ला जाने सो जान के करे ना, मैं रोज आके रोड उत्ते बैठ जाना, मैं की करा? बच्चे मेरे बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां 2 बेटे हैं। अच्छा, क्या करते हैं? वो सारे पढ़ते हैं जी, मैं इन्ना ही शौक सी मेरा कि मैं बच्चों नूं पढ़ावां अपने नूं, वो मैं की पढ़ा मेरी रोजी खोली इन्होंने, मैनूं इंसाफ नहीं मिलता, मैं किहड़े पासे जावां? अच्छा, अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस वाले जी मेरी कोई गल नहीं सुनते, गल्लां बातां जी अज तैनूं लै दांगे तैनूं जावांगे भाप होके सारी दिहाड़ी, मैनूं पिशाब होण, मेरे को किराया ना टुरदा जाना, मैं शेर शाह तों 6 किलोमीटर सफ़र मेरा टुरदा जाना टुरदा ना मैं। इन्होंने आपका रक्षा छीना है, वो क्या करते हैं, कौन इतने बड़े? होटल है जी भुगतियाँ पिंड दे विच। अच्छा, हाँ जी, होटल चला वो अपने मजे नाल होटल चला रहे हैं, बल्कि मैं लंघदा टिचकरां करदे ने मैनूं। अच्छा, और उन्होंने कहा है कि जो होता है कर लो? हाँ, उन्होंने कहा है जो होता है कर ला, साढ़े को तू ले लेंगा, तो मैंने सानू पिंड च ना नजरों, मैं जरा किनारा करके आपका बैठा आके के उन्होंने पिंड च भी नहीं रहन देंदे, जो मारिया पूरे महल ने वेख्या मैंने आके महल ने छुड़ाया भी है, लेकिन अगे जाने वास्ते जो पुलिस ने उन्होंने मारा। आपके पास कोई मेडिकल कोई चीज़ है? हाँ जी, मेडिकल होया जी 15 से कॉल की, उन्होंने आके मेडिकल करा, मेडिकल करा के SHO साहब को मेडिकल भी पहुँच गया, लेकिन मेरी कोई दाल नहीं गली, मेरी किसी ने कोई आखरसी नहीं की। अच्छा अंकल जी, आखिर में आप वज़ीर आज़म साहब से क्या कहेंगे? मैं वज़ीर आज़म से यही मिन्नत करता कि खुदा का खौफ खा के ना मेरा हक रसी करा दो, मेरा रक्षा मैं लैके दो, मेरी बच्चों की रोज़गार है, जे नहीं तो तुम जिम्मे अदालतें खुड़ा सकते हो, मैंने आके फांसी दे दो अपने हाथ ना आके। अच्छा नाज़रीन, अभी हमारे साथ ये छोटी सी बच्ची भी, क्या नाम आपका? आलिया। अच्छा आलिया, आपका रक्षा किधर है आपके पापा का? मेरे पापा का रक्षा चोरी हो गया। चोरी हो गया, वो क्या कहते हैं आप? जो रिक्शा ले गए वो पापा को क्या कहते हैं? वो पापा को धमकियाँ देते हैं। धमकियाँ देते हैं? इधर कितनी देर से बैठे हो? 7 बजे के या 6 बजे के बैठे। अच्छा, तो अभी डर नहीं लग रहा? रात को इधर डर लगता है? लगता है। अच्छा,
नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि किस तरह एक बच्ची भी कह रही है कि हमें यहाँ पर डर लगता है और मेरे पापा का रिक्शा ले गए हैं और अभी धमकी देते हैं। नाज़रीन आपने इस बाप की दुख भरी कहानी सुनी, तो जो साहिब इस्तेदार लोग देख रहे हैं वो इनकी जो के कोई लाइव्स देख रहे हैं वो इनकी हेल्प कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारी जो के टीम से भी जितनी इनकी मदद हो सकी या जो भी हो सका इंशाल्लाह हम लाजमी करेंगे। और NPG मीडिया जो के हमेशा ऐसे मज़लूम लोगों की आवाज़ बनता रहेगा। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NPG मीडिया।